मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक प्लानर के बारे में बात करेंगे। एक प्लानिंग मशीन क्या होती है, एक प्लानिंग मशीन वर्क कैसे करती है, किस तरह के वर्क पीसेस को वर्क करने के लिए प्लानिंग मशीन का यूज किया जाता है, प्लानिंग मशीन के मेजर कंपोनेंट्स, मेजर पार्ट्स क्या क्या होते हैं, प्लानिंग मशीन में आप किन किन तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं, प्लानिंग मशीन में कौन कौन से वर्क होल्डिंग डिवाइसेस का यूज किया जाता है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु, मैं हूं अंकित। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्लानिंग मशीन या फिर एक प्लानर का यूज वर्क पीसेस में फ्लैट सर्फेसेस को प्रोड्यूस करने के लिए, फ्लैट सर्फेस बनाने के लिए किया जाता है। और प्लानर मशीन का यूज वहां होता है जहां वर्क पीस की साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती है, जिसे आप शेपिंग मशीन में फिट नहीं कर सकते। इस मशीन में जो टेबल रहते हैं जहां पे वर्क पीस को फिट किया जाता है, उसे हम प्लेटन बोलते हैं। प्लेटन में ही वर्क को टाइट किया जाता है और प्लेटन में ही रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, क्योंकि इस मशीन में टूल पोस्ट को क्रॉस हेड में फिट किया गया है और आप इस टूल में डाउनवर्ड फीडिंग भी दे सकते हैं। कई टाइप्स की प्लानर मशीन आती है, जैसे कि डबल साइडेड प्लानर, इसे हम स्टैंडर्ड प्लानर मशीन भी बोलते हैं, ओपन साइड प्लानर, पिट प्लानर, एज प्लानर या फिर इसे प्लेट प्लानर भी कहा जाता है, और डिवाइडेड प्लानर मशीन्स भी आती हैं। इनमें से कोई भी तरह की प्लानर मशीन हो, पार्ट्स कंपोनेंट्स किसी भी प्लानर मशीन के बहुत हद तक सेम रहते हैं। मेजर पार्ट्स या फिर कंपोनेंट जो प्लानर मशीन में यूज होते हैं, उनके बारे में आप डिटेल से बात कर लेते हैं। मेरे बगल में आप एक प्लानर मशीन का डायग्राम देख सकते हैं। ये डायग्राम है एक डबल हाउसिंग प्लानर या फिर एक स्टैंडर्ड प्लानर मशीन का। सबसे पहला कंपोनेंट है इस मशीन का बेस। प्लानर हो, शेपर हो, लेथ हो, बेस हमेशा कास्ट आयरन से ही बनाया जाता है, मैंने आपको बताया है। और इस बेड के ऊपर वी टाइप गाइड वेज दिए गए हैं, जिसमें इस प्लानर मशीन की टेबल स्लाइड हो सकती है। अब प्लानर मशीन के टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। प्लानर मशीन की टेबल्स भी कास्ट आयरन से बनाई जाती है और इनकी टॉप सरफेस फ्लैट रहती है। प्लानर मशीन के टेबल्स में भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो सकता है और प्लानर मशीन के टेबल ही वर्क को सपोर्ट करने का भी काम करती है। प्लानर मशीन के टेबल के ऊपर ही स्लॉट्स दिए रहते हैं जहाँ पे आप वर्क पीस को फंसा सकते हैं, और इस टेबल में रेसिप्रोकेटिंग मोशन रैक और गियर्स के द्वारा दिया जाता है या फिर रैक और डबल हेलिकल गियर्स का यूज किया जाता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन देने के लिए प्लानर मशीन के टेबल के लिए। उसके बाद एक प्लानर मशीन का मेन कंपोनेंट है कॉलम, जिसे हम हाउसिंग भी बोलते हैं। कॉलम या हाउसिंग यह एक रिजिड कास्टिंग रहती है, जो कि बेड के दोनों तरफ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, और इन दोनों तरफ की कॉलम के सामने की सरफेस में क्रॉस रेल दी जाती है, जिसके कारण टूल में अप और डाउन मोशन होता है। अब इस क्रॉस रेल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, दोनों हाउसिंग और दोनों कॉलम्स के बीच में क्रॉस रेल को इंस्टॉल किया जाता है, यानी कि टूल के एडजस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है क्रॉस रेल का अच्छे से इंस्टॉलेशन होना। इसके बाद लास्ट कंपोनेंट इस प्लानर मशीन का आता है टूल हेड। टूल हेड्स को क्रॉस रेल या फिर कॉलम में माउंट किया जाता है, और इस टूल हेड में ही टूल पोस्ट लगा रहता है जहाँ पे मशीन टूल फिट किया जाता है। तो यह थे मेजर कंपोनेंट, मेजर पार्ट, जो कि एक प्लानर मशीन में, कोई भी तरह की प्लानर मशीन हो, ये मेजर पार्ट्स तो वहाँ पे होंगे ही होंगे। अब हम एक प्लानर मशीन के साइज स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि मार्केट में किस साइज किस स्पेसिफिकेशंस के साथ एक प्लानर मशीन अवेलेबल है। आपके पास जितना बड़ा साइज है, जितना बड़ा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उतने बड़े साइज की प्लानर मशीन मिल जाएगी। सबसे छोटी डबल हाउसिंग प्लानर्स का साइज 750 mm × 750 mm × 2.5 मीटर तक रहता है, और सबसे बड़ी प्लानर मशीन का साइज 3000 mm × 3000 mm × 18.25 मीटर तक हो सकता है। इन बेसिक डिजाइन के अलावा और भी कई तरीके से आपको प्लानर मशीन स्पेसिफाइड होते हुए नजर आएंगी मार्केट्स में, जैसे कि स्पीड में कितना वेरिएशन है या कितनी ज्यादा ज्यादा फीडिंग हो सकती है, उस हिसाब से प्लानर मशीन को स्पेसिफाई किया जाता है। पावर इनपुट आपको कितनी देना है, कितनी फ्लोर स्पेस है आपकी, मशीन का वेट कितना होना चाहिए, कौन सी तरह के ड्राइव लगाना है आपको प्लानर मशीन में, और भी कई स्पेसिफिकेशंस के आधार पर आप एक प्लानर मशीन को मार्केट से ले सकते हैं। कई तरह के क्लैंपिंग डिवाइसेस का यूज टेबल के ऊपर वर्क पीस को होल्ड करने के लिए एक प्लानर मशीन में किया जाता है, जैसे कि हैवी ड्यूटी वाइसेस, टी बोल्ट्स और क्लैंप्स, स्टेप ब्लॉक्स, पॉपेट्स, एंगल प्लेट, प्लानर जैक, वी ब्लॉक्स और कई तरह के क्लैंपिंग डिवाइसेस का यूज होता है। अब लास्ट में एक प्लानर मशीन किन किन तरह के ऑपरेशंस कर सकती है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लानर मशीन में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लगा रहता है,
जिसकी मदद से हम प्लानर मशीन में हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस की प्लानिंग कर सकते हैं, वर्टिकल सर्फेसेस के ऊपर वर्क कर सकते हैं, कर्व्ड सर्फेसेस के ऊपर काम कर सकते हैं, स्लॉट्स और ग्रुप्स के ऊपर काम करना है तो वहां पे भी आप प्लानर मशीन का यूज कर सकते हैं, और अगर इंक्लाइंड सर्फेस है तो उस केस में भी प्लानर मशीन बहुत अच्छे से उसके ऊपर वर्क कर पाती है। लेकिन एक प्लानर मशीन में वर्क को करने के लिए ज्यादा समय लगता है अगर आप उसे कंपेयर करेंगे एक शेपर मशीन से तो, और प्लानर मशीन के ऑपरेटर को अच्छा खासा स्किल की भी जरूरत पड़ती है इस प्लानर मशीन को ऑपरेट करने के लिए। प्लानर मशीन के मैंने अभी आपको ऑपरेशंस बताया, उन ऑपरेशंस को करने के लिए भी आप एक नहीं एक से ज्यादा भी कई तरह के टूल्स का यूज एक प्लानर मशीन में कर सकते हैं। मैक्सिमम 4 टूल्स तक का यूज एक प्लानर मशीन में हो सकता है, और जिन वर्क पीसेस का साइज बहुत बड़ा है जो शेपर मशीन में फिट नहीं हो पाती हैं, वही जॉब हम प्लानर मशीन में लेके जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने एक प्लानर मशीन के बारे में बात की, प्लानर मशीन के बेसिक कंपोनेंट, स्पेसिफिकेशन, ऑपरेशन, क्लैंपिंग डिवाइस और भी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको प्लानर मशीन के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, वीडियोस को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।